बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जींद में कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तो महिलाओं ने ट्रैक्टर और झोटा बुग्गी चलाकर अपना रोष जताया। जिला पार्षद और कांग्रेसी नेता सतपाल ढांडा के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाओं ने रोष जताते हुए कहा कि केंद्र और हरियाणा की सरकार बाबू की सरकार है जो किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। सतपाल ढांडा ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि देश से महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जल्द से जल्द जीएसटी के दायरे में लाए ताकि महंगाई कम हो सके, अन्यथा कांग्रेसी लगातार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। जो लगातार बीजेपी सरकार का एक वादा था आने के बाद महंगाई पर काबू करेंगे, लेकिन आज जो इंटरनेशनल मार्केट में लगातार कच्चे तेल का भाव गिरता रहा है, लेकिन यहाँ पर जो तेल का भाव वो आसमान छू रही है, जिससे महंगाई पर काबू तो क्या, महंगाई भी आसमान पर चली गई है। तो हमने डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि आप तेल के जो तेल है इसको आप जीएसटी के दायरे में लाएं ताकि महंगाई पर काबू पा सके। यहाँ पर सरकार को दिखाया है कि ऐसे ही लगातार तेल के भाव बढ़ते रहे तो हमें जो हमारे पास साधन है, गाड़ी हैं या जो भी साधन है, हमें उनको जानवरों के साथ या हमारे बुग्गी जोटे के साथ बांध कर या जोटे के साथ या बैलों के साथ खींचने पड़ेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम दोबारा से फिर धरना प्रदर्शन करेंगे या उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हिंद एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।